بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيَّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ آپ نے مسلسل زحمتیں اٹھائیں, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس سلسلے کی تین تقریریں اور باقی رہ جاتی ہیں. کوشش یہی ہے کہ ہمارا معیار فکر دوسروں کے لیے نمونہ حیات بن جائے, اور جس تصور کو ہم عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اس کو تو سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ اس سے مقصد ہمارا اپنا تعارف نہیں ہے, اسلام کی بزرگی ہے, اسلام کی عظمت ہے, ختمی مرتبت کا اس درجہ کمال پر فائز نظر آنا ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایک عید تجلی ہے, اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ایک مرتبہ پھر اپنی تصنیفوں پر, اپنی تقریروں پر, اپنے مؤلفات پر, اپنے کیے ہوئے تحقیقاتی کاروبار پر پھر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو صحیح معنی میں اقوام عالم کے سامنے کس طرح سے پیش کریں کہ وہ اپنے ہر تنقید سے, اپنے ہر اعتراض سے اسلام کو بلند سمجھنے لگیں. یہ کوشش ہے, اور اس کوشش میں بہر صورت سب کو ہمارا ساتھ دینا ہے. بنیادی فکر ایک سلسلہ ہدایت ہے جو آدم سے شروع ہوتا ہے, اور کہاں جا کے ختم ہوگا یہ خدا ہی کو علم ہے. اگر درمیان میں یہ سلسلہ کہیں ختم ہو گیا اور ملت منتشر نظر آئی
तो उसके माना यह है कि यकीनन हमने कहीं फिक्र के एतबार से ठोकर खाई और हम इस्लाम को नहीं समझ सके हैं, क्योंकि बहसियत फिक्र व शऊर व ताक़ुल रखने वाले इंसान के जब अकीदे बारी हमारे दिलों में मुस्तकम हो चुका है और हम ये समझ रहे हैं कि एक खालिक़े कुल है, एक निज़ाम कायनात है, उस निज़ाम कायनात का एक मकसद आला है, उस मकसद आला में एक तसलसल है, तो अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तौहीद के ताल्लुक से, तो तौहीद का इंतबा खुद ये ऐलान कर रहा है कि हिदायत को मुसलसल रहना चाहिए। तौहीद का अप्लीकेशन खुद ये ऐलान कर रहा है कि हिदायत को मुसलसल रहना चाहिए। चुनाचे कलाम मजीद में जहां कहीं आप रसूलों का तस्करा सुनेंगे, अंबिया की बातें सुनेंगे, वहां कुरान इसी तसलसल पर गुफ्तगू करता है। हम मुसलसल अब तक जिस आयत का उन्वान करते हुए चले आ रहे हैं और जिसके माना का अब बखूबी आपको इल्म हो चुका है, उसका मकसद भी यही है। वमा अरसलना मिन कबल का इल्ला रिजालन, हमने तुमसे पहले नहीं भेजा मगर उन मर्दान खुदा को, जिन पर हम मुसलसल वही करते रहे। तुमसे पहले भी रसूल आए और हमने उनको भेजा, वम्मा अरसलना मिन कबले का इल्ला रिजालन, हमने रसूलों को भेजा वही की नेमत से सरफराज करके। तुमसे पहले फसलू अहल जिक्र इनकुम तुम ला तालमून बिल बयनात वज़ुबर, मौजिज़ों और खुली किताबों से जो वाकिफ हैं उन अहल जिक्र से पूछो अगर तुमको इल्म नहीं है। और उसके साथ ही इरशाद हुआ कि उससे पहले तो वो अंबिया और उसके बाद ऐ रसूल तुमको हमने भेजा और इस तरह से भेजा कि जब हमने जिक्र को नाजिल किया तो तुमको हमने भेजा फकत इसलिए ले तुबय्यिना लिन्नास, ताकि इंसानियत के लिए तुम्हारी जिंदगी बयान बन जाए, उस वही के लिए तफसील बन जाए जिसको हम तुम पर नाजिल कर रहे थे। वो अनजलना इलई का जिक्र, हमने तेरी तरफ जिक्र को नाजिल किया, ले तुबय्यिना लिन्नास, ताकि तू इंसानियत को अपने बयान से सरफराज फरमाए और ये बतलाए मा नुज़िला इलैहिम, उनकी तरफ किस चीज को हमने नाजिल किया है, कौन सी चीज उनके पास नाजिल हुई है। वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो फिक्र से काम लें। अगर कल की तकरीर का आखिरी हिस्सा महफूज है तो हम फिर वहीं से अपनी फिक्र को आगे बढ़ाएंगे। ये तो कभी दावा नहीं किया जाता कि हर सुनने वाले के सतह फिक्र में एक खास औज या बुलंदी आ जाएगी इन तकरीरों से, यह दावा नहीं किया जाता है। मगर यह जरूर ख्वाहिश की जाती है कि अगर आप इस फुर्सत से फायदा उठाकर सिर्फ तनकीद और तबसरे के एतबार से इन मारूजात पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम अपने मकसद तक पहुंचने में किन किन मनाजिल को तय कर रहे हैं। कल गुफ्तगू ये थी कि ये सिलसिला अंबिया इतना मुसलसल है कि हर बाद में आने वाला नबी गुजरने वाले नबी का वारिस होता है और यह सिलसिले विरासत मुसलसल जारी है।
चुनाचे सूरह फातिर से एक आयत की तिलावत की गई कल, उसको फिर दोबारा पढ़ने की इज्जत हासिल करता हूं। मगर इस तरह से कि उससे पहले की एक आयत जो मुसलसल है उसको भी आप सुन लें। वल्लजी औहैना इलैका मिनल किताब, वो जिसने तेरी तरफ किताब की वही थी। वल्लजी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक, जिस किताब की वही की वो हक है। वल्लजी औहैना इलैकल किताब वो हुवल हक, और वो हक। और फिर इरशाद हुआ मुसद्दिकन, वो तस्दीक करने वाली किताब, वो तस्दीक करती है किताब उन सारे किताबों की, उन सारे सहायफ की जो गुजर चुके। इन्नल्लाहा बेइबादही खबीरुन बसीर, खुदा अपने बंदों से खबीर भी है बसीर भी है, वो खबर भी रखता है और जानता है कि किसका कितना ज़र्फ है। ये पहली आयत। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, उन्वान की आयत जो थी वो ये थी कि वम्मा अरसलना मिन कबले का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, हमने तुझसे पहले रसूलों की तरफ वही की। सूरह फातिर की आयत पढ़ रहा हूं वो ये है कि जो कुछ वही तेरी तरफ हुई है वो हक है, उस किताब को भेजा है मुसद्दिकुन लिमा बैन यदैया, जो कुछ उस किताब से पहले गुजर चुका है वो किताब सब की तस्दीक करती है। अब इसका सिलसिला सुम्मा, सुम्मा फासिले जमानी के लिए है, यानी इसके बाद फिर। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, इसके बाद हमने किताब का वारिस बनाया उनको जिनको के हमने अपने बंदों में से मुस्तफा बनाया। अब ये सिलसिला फिक्र जहन में आ रहा है, तुझसे पहले अंबिया आए उनकी तरफ हमने वही की, फिर तू आया हमने तेरी तरफ वही की। सुम्मा फिर इसके बाद हमने किताब का वारिस बनाया अपने मुस्तफा बंदों को। अब इतनी तशरीह के बाद, इस तफसील के बाद, अगर ये इस्तफा उम्मत इस्लामिया में शाही के लिए है, इख्तदार जाहिर के लिए है, आमिरियत के लिए है, किसी खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए है, किसी ममलिकत के ताजदार के लिए है, तो फिर या हमने इस्तफा के इतलाक में गलती की, या हमने इस्तफा के इतलाक में गलती की, या फिर ये कि इस्तफा के माना ही हम ना समझ सके। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब का वारिस किया उनको जिनको हमने अपने बंदों में से मुस्तफा। अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई है। वमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिह वमिनहुम मुक्तसिद वमिनहुम साबिकुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। ये जो नस्ल आगे बढ़ रही है इसमें कुछ वो हैं जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, कुछ वो हैं जो मियाना रवि के आदि हैं, मुक्तसिद मीम काफ ते स्वाद दाल इख्तिसाद, जो मियाना रवि के आदि हैं, और कुछ वो हैं साबिकुन बिल खैरात, जो हर नेकी में सबकत करने वाले हैं अल्लाह के इज्म से। आपने देखा हर जुरियत में, हर जुरियत में
इस तरह की तीन शाखें लाजिम हैं। हर बुजुर्ग खानदान की औलाद में यह सूरत मुमकिन है। खुद हजरत इब्राहिम पूरी जुरियत ताहिर नहीं है, पूरी जुरियत आदिल नहीं है, पूरी जुरियत की पाकी और उनकी तहारत का इब्राहिम ने भी वादा दावा नहीं किया है। सिर्फ यह कि इन्नी जाएलो का लिन्ना से इमामा, मैंने तुझको इंसानियत के लिए इमाम करार दिया। इब्राहिम ने कहा वमिन जुर्रियती, क्या मेरी जुरियत में अहदे इमामत आएगा, क्या ये मेरी जुरियत में दौरे इमामत आएगा। काला ला यनालो अहदे जालिमीन, आवाज आई मेरा अहदे इमामत जालिमों तक नहीं जाएगा, यानी तुम्हारी जुरियत में जहां जुल्म जाएगा इमामत नहीं जाएगी, तुम्हारी जुरियत में जहां जुल्म नहीं जाएगा इमामत जाएगी। तो खुद कुरान ने कह दिया कि जुरियत इब्राहिम में भी अगर जुल्म है तो इमामत नहीं है, यानी पूरी जुरियत ताहिर नहीं है और न होना है, न मकसद इलाही है। जुरियत है इब्राहिम की मगर सब की सब ताहिर नहीं है। उसी तरह से तेरे बाद जिनको हम वारिस किताब बना रहे हैं उनमें भी कुछ तो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं, कुछ मियाना रवि की इख्तियार करने वाले हैं और कुछ साबिकुन बिल खैरात, नेकी में और हर नेकी में सबकत करने वाले हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। और फिर ज़ालिका का फजलुल कबीर, ये बड़ा फजल, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। सूरह फातिर कलाम मजीद का 35वां सूरह है, सूरह यासीन से पहले। तो अब पता चला कि किताब रसूल के बाद आगे बढ़ेगी, उसके वारिस भी होंगे, उसके वारिस भी होंगे, और ये वारिस वही होगा जो साबिक बिल खैरात हो, जो हर नेकी में सबकत करने वाला हो। नबी की तारीफ क्या है, जो खबर लाए। रसूल के माना क्या है, जो रिसालत को पहुंचाए। इमाम के माना क्या है, जो सामने आए। मा या उम्मुल खल्क इलैह, जिसको मखलूक हमेशा अपने सामने रखे, जो हमेशा आगे हो। साबिक बिल खैरात, हर मंजिल पर इमाम आगे। नबूवत नहीं है, रिसालत नहीं है, इमामत के खुद माना है साबिकुन बिल खैरात। देखिए बहुत अजीब, खुद इमामत के माना ये है कि जो सबकत करे। इमाम अमाम आगे सामने होने वाला, जो सबकत करे, हर नेकी में सबकत करे। यानी वहां ये आलम हो कि अगर जरूरत पड़े कलाम की और वो कलाम हक हो तो इमाम पहले कलाम करे, कुर्बानी की मंजिल आए और मुतालिबा हक हो इमाम पहले कुर्बानी दे, और जिहाद का वक्त आए और वो जिहाद लाजिमा हक हो तो इमाम पहले जिहाद करे, बंदगी की मंजिल पर इमाम पहले हो, उससे पहले किसी ने बंदगी न की हो, इल्म में आगे हो, कोई उससे पहले मसाले का समझने वाला ना हो, जहां खैर हो इमाम सबकत करे। साबिकुन बिल खैरात बेइज़्निल्लाह, इज़्न है। नबुव्वत बगैर इज़्न नहीं, रिसालत बगैर इज़्न नहीं, दावत इलल हक बगैर इज़्न नहीं। पैगंबर को इज़्न मिला इसलिए रसूल बने। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बेइज़्ने ही। रसूल अल्लाह की तरफ दावत देने वाला है इज़्न से, इज़्न से।
किसका इज्न? अल्लाह का इज्न। अल्लाह इज्न दे रसूल फरीदे रिसालत को अदा करे, वारिस किताब इज्न याफ्ता हो, इज्न खालिक से ले, मखलूक को हक नहीं है इज्न देने का। मैं समझाना चाहता हूं, बे इज्न अल्लाह है, इज्न खालिक नहीं है, इज्न शूरा नहीं है, इज्न उलमा नहीं है, समझदार आदमियों का इज्न नहीं है, इज्न इलाही के साथ ये वारिस किताब हुए। अब जब वारिस किताब हुए तो इनकी दूसरी पहचान, एक तो इज्न इलाही, जिसको आप समझ ना सके कि इज्न पाया या नहीं पाया। बहुत गौर से सुनिए, जरा सा हम सतह फिक्र को बुलंद कर रहे हैं, आपसे माजरत के साथ। एक इज्न है, क्या खबर इज्न मिला कि नहीं मिला? हजरत ईसा को इज्न मिला, इज्न मिला, और आपने कहा अन्नी अखलुको लकुम मिन तीन कहयति तैर फानफुको फीह फकू वयकून तैरन बिइज्निल्लाह, मैं अपने हाथों से एक मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा, उसमें रूह फूंकूंगा, वो अल्लाह के इज्न से उड़ेगा। तो इज्न तो नजर नहीं आएगा, परिंदे का बनना नजर आएगा, उसका उड़ना नजर आएगा। वो इन्नी ओहिल मौता, मैं मुर्दे को जिलाऊंगा बेइज्निल्लाह। तो इज्न नजर नहीं आया, इसलिए कि हम उस मंजिलत में ईसा के नहीं हैं, ईसा के उस दर्जे में नहीं है कि हमारा जर्फ पहचाने कि इज्न कब आता है कब नहीं आता। तो हमने मुर्दे को देखा कि मुर्दा सामने आया, फिर उसके जिलाए जाने को देखा और कहा हां मुर्दा जी गया, यकीनन इज्न मिला होगा। इज्न को देखा नहीं, मुर्दे के जिलाए जाने से इज्न को पहचाना। यहां इरशाद होता है कि वारिस किताब बनाया इज्न से, इज्न को तो नहीं देखा, फिर कैसे पहचानोगे? सुम्मा अवरसनल किताब अल्लदीना अस्तफाइना में निभा देना, देखो इस्तफा कहां है, बंदा मुस्तफा कौन है, फिर पहचानो कि इज्न मिला कि नहीं मिला। दो बातें थी, सुम्मा अवरसनल किताब अल्लदीना अस्तफाइना में निभा देना, हमने वारिस किया किताब का उन लोगों को जिनको हमने मुस्तफा बनाया। अभी जैसे ऐलान हुआ, अगर इस सिलसिले में कोई बात रह जाए फकत किसी हद तक, तो मैं शायद कल सुबह की तकरीर में जो मंसूब है सिर्फ हजरत अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकजी इमाम बारगाह में तफसील दे सकूंगा, सिर्फ इस जुमले की हद तक जो अभी अर्ज कर रहा हूं। मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न बाबह कुम्मी, जो साहेब मन ला यहज़ूर हैं और हमारी अहम चार किताबों में से एक किताब के मुसन्निफ़ हैं, मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी साहेब काफी, सन वफात 329 हिजरी, मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न बाबह कुम्मी सन वफात 381 हिजरी साहिब मनला यहज़ूर, मोहम्मद इब्न हसन तूसी शेख उत्ताइफा सन वफात 460 हिजरी साहिब तहजीब साहिब इस्तफसार, ये हमारी चार किताबें। मोहम्मद इब्न बाबह कुम्मी का एहसान हम पर कयामत तक रहेगा, यह किताब बड़ी अहम है और इनके तसानीफ बहुत ज्यादा है। जब अपने रिवायत के सिलसिले को पेश करते हैं तो हैरत होती है, इसलिए कि इनके पदर गिरामी नुवाब अरबा के साथ रहे हैं, दौरे नुवाब में हैं इनके पदर गिरामी। ये रिवायत करते हैं अपने पदर गिरामी से, वो रिवायत करते हैं अली इब्ने इब्राहिम से, वो रिवायत करते हैं इब्राहिम इब्ने हाशिम से,
वो रिवायत करते हैं रैयान इब्न सल्त। रैयान इब्न सल्त कहता है कि मराओ में मामून के दरबार में हजरत अली इब्न मूसा रजा को तलब किया गया। उलमा मौजूद थे और उलमा ने अर्ज किया कि फरजंद रसूल यह सच है कि आप रसूल की औलाद हैं, मगर मकाम इफ्तिखार क्या है? यह सच है कि आप रसूल की औलाद हैं, मगर मकाम इफ्तिखार क्या है? इरशाद होना किस इफ्तिखार को चाहते हो, किस इफ्तिखार को चाहते हो? कहा नहीं, आम मुसलमानों में आपके लिए वजह इफ्तिखार क्या है? आपने इस आयत की तिलावत की, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ईना मिन इबादिना, कि हमने वारिस किया किताब का उनको जिनको हमने अपने बंदों से मुस्तफा बनाया। उलमा ने पूछा सूरत इस्तफा क्या है? इस्तफा के माने आप समझ रहे, यानी किसी चीज का खुलासा निकाल लेना, किसी चीज के रूह को खींच लेना, किसी चीज को पाक साफ करके उस मंजिल पर पहुंचा देना कि उस शय का मकसद नजर आए। इस्तफा यह अमल इस्तफा है कि शजर में समर है, यह अमल इस्तफा है कि फूल के पौधे में आप फूल देख रहे हैं। सारा शजर इस्तफा का अमल नहीं है। तो खुलासा खिलकत इस्तफा की मंजिल है, मकसद खिलकत इस्तफा की मंजिल है। वो ये पूछता है कि आप मुस्तफा कैसे हो गए, अवाम पर आपको फजीलत कैसे दी गई? इरशाद फरमाया इस तरह से कि जब रसूल मबूस हुए तो ये नहीं कहा गया था कि पूरे अरब को फरमान सुनाओ, ये नहीं कहा गया था कि पूरे अरब को दावत दो। पहली मरतबा अमल इस्तफा यह हुआ कि आवाज आई वंजिर अशीरतकल अकरबीन, जो कुर्ब रखते हैं जो नजदीक हैं उनको दावत दो, जो दूर हैं उनको नहीं कहा गया। वंजिर अशीरतकल अकरबीन, अपने खानदान में जो नजदीक है उनको बुलाओ। जब वो आए और रसूल ने कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, तो किसी साबिकुन बिल खैरात में खड़े होकर कहा अल्लाह के रसूल मैं मानता हूं कि तू अल्लाह के रसूल। सबको नहीं बुलाया, पूरे अरब को नहीं बुलाया, अशीरे को बुलाया, नजदीक वालों को बुलाया। और बुलाया तो अब अमल इस्तफा हुआ, सबसे कहा कौन है मेरी मदद करने वाला? एक बच्चा खड़ा कहा ये है मुस्तफा। समझने कोई चीज नहीं, किसी मौर्रख की मजाल नहीं है जो इस वाकये की तर्दीद करे, किसी मौर्रख की मजाल नहीं। मैंने बारहा कहा, यानी अगर समझदार तलबा कम से कम गिब्बन की तारीख पढ़े और उसमें इस जुमले तक अपने आप को पहुंचा दें कि रसूल ने आवाज दी कोई है मेरी मदद करने वाला, ए प्रोफाउंड साइलेंस फेल अपॉन द होल असेंबली अंटिल द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल अली क्राइड आउट विद ज़ील, आई प्रॉफिट ऑफ अल्लाह आई विल हेल्प यू। सारी दुनिया के मौर्रखीन ने लिखा कि सबसे कम सिन सबसे आगे, मुस्तफा मंजिल इस्तफा सबसे कम सिन सबसे आगे। और यही वो सूरत है कि आप अंबिया में भी यही बातें देखेंगे, अंबिया में यही बातें देखेंगे। कोई बच्चा गहवारे में बातें करेगा, किसी बच्चे की शहादत तलब की जाएगी बचपन में, किसी बच्चे को हुक्म अता किया जाएगा बचपन में, किसी बच्चे को इल्म का कमाल अता किया जाएगा बचपन में। कोई इस्माइल है, कोई यहया है, कोई ईसा इब्न मरियम है,
इरशाद फरमाया इससे बढ़ के और क्या सबूत चाहते हो, और चाहते हो ढूंढना। इरशाद फरमाया कि इसके अलावा 11 मकामात पर कुरान ने साबित किया है कि हम मुस्तफा हैं। मैंने जैसा कि वादा किया है अगर न दे सकूं तफसील तो फिर कल, क्योंकि खास इमाम हश्तुम से ये हदीस है इसलिए इस पर तफसीली बहस की जरूरत होगी। तो 11 मकाम, मैं जाहिर है कि बड़ी कोशिश करता हूं इन तकरीरों में कि आम फहम हो जाऊं, और ये मेरी नाकामी हमेशा से रही है। यूं समझिए कि अपनी बेबिजाती की वजह से और अपनी कम मायगी की वजह से मुझे वो अल्फाज नहीं मिलते कि मैं उन अल्फाज को सहर बनाकर किसी के दिल और दिमाग तक पहुंचा दूं, ये मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं है। मगर फिर भी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब एक बात याद रखें, अगर कोई मौर्रिख ये दावत जुल अशीरा को लिखना चाहे और लिख के ये कहे कि पैगंबर ने आवाज दी और किसी एक और नाम को पसंद कर ले अली को हटाकर, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी मदद करूं। अगर कोई तारीख ऐसी हो जाए और वो लिखना चाहे तो हमारा जो रद्द अमल है वो पहला तो यही होगा कि हम उसको वेलकम करेंगे, हम उसको खुशामदेद कहेंगे कि लीजिए सदियों बाद कोई तो ऐसा मिल गया जो रसूल की आवाज पर लब्बैक कहता, कोई तो ऐसा मिल गया जो रसूल की आवाज पर लब्बैक कहता। मगर उसके साथ साथ अगर कोई फिक्र करने वाला दिमाग हो तो रसूल की आवाज और उस तारीख के बनाए हुए लब्बैक कहने वाले की जिंदगी, अगर दोनों को मिलाने की कोशिश करे तो कभी इन दो चीजों में इर्तिबात नजर नहीं आएगा। मैं इसकी तफसील देते जाऊंगा। इरशाद फरमाया दूसरा मकाम वो ये कि सारी तारीखें ये कहती हैं कि जब आये मवद्दत नाजिल हुई तो रसूल ने कहा कि ये हुक्म अल्लाह का आया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा। ये आयत है सूरह शूरा में 42वां सूरा। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क़ुरबा कौन है, आपने इरशाद फरमाया ये हैं अली फातिमा हसन हुसैन। तो गोया चुन लिया, मुंतखब किया, बुलंद किया, नामजद किया, निशान लगाया और इस तरह से उम्मत को बतलाया कि उम्मत ये नहीं है, ये उम्मत नहीं, इनकी मोहब्बत उम्मत पर वाजिब, उम्मत की मोहब्बत इन पर वाजिब। यह अमल इस्तफा है, ये अमल इस्तफा यानी चुन लिया उम्मत में से 5 को जिसमें खुद आप हैं। नहीं, एक और मंजिल, वही बात, अगर कोई मौर्रिख क़ुरबा की आयत लिखकर इस हदीस को हटा दे और कहे कि जब यह आयत नाजिल हुई इतने हजरात वहां मौजूद थे, रसूल ने कहा यह क़ुरबा है, यह क़ुरबा है, अगर बदल दिए जाए नाम तारीख इस्लाम में तो कभी आप यह न समझें कि रद्द अमल हमारी तरफ से कोई खराब होगा, कभी नहीं। हम इसी हैरत में रहेंगे कि आया वो नाम जो लिए जाएंगे वो कबूल भी कर सकेंगे इस लफ्ज को,
बहुत गौर की फिक्र है, बहुत गौर करने का मकाम। आया वो नाम कबूल कर सकेंगे लफ्ज कुर्बा को, जो नजदीक है, जो नजदीक है, रिश्ते में नजदीक है, खून के एतबार से नजदीक है, बुजुर्गी के एतबार से नजदीक है, फिक्र के एतबार से नजदीक है, ताअक्कुल के एतबार से नजदीक है, बंदगी के एतबार से नजदीक है, फिर मकसद पर आगे बढ़ने के एतबार से नजदीक है, इत्माम हुज्जत के एतबार से नजदीक है। जहां जहां जरूरत खराबत होगी कयामत तक वहां नजदीक है। शास्त्रों में अमल इस्तीफा है, सबको नहीं चुना, कुर्बा में कुछ नाम लिए। हुआ क्या, हुआ ये बहुत, फिर गौर से सुनिए कि नहीं, मुझे माफ करें आप, कुछ और आगे बढ़ जाएंगे। इरशाद फरमाया अमल इस्तीफा ये है, आए तथीर के चुन लिया, चादर में आए और बेटी को लिया, नवासे को लिया, नवासों को लिया, दामाद को लिया, और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती। फरमाया ये इस्तीफा है, ये इस्तीफा है, यानी सब थे उनमें से चुन लिया, मुंतकब कर लिया, बुलंद किया, बतलाया कि ये खुलासा है, कि ये किसी और के लिए है। उलमा सब चुप, मामून मौजूद उलमा सब, कहा ये अमल इस्तीफा है, यानी लाखों हो उनमें से चुन लेना, उनमें से चुन लेना। अब फिर इस मंजिल पर क्या ख्याल है, इन नामों के बजाय अगर मुख्तस करके कुछ नाम और आ जाएं, कि अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि तुमसे दूर रखे हर बुराई, आ जाएंगे ना, हमको एतराज नहीं है, मगर नाम वही हो जो बैत की अहलियत को कबूल कर सके। देखिए एक एक लफ्ज ने क्या शर्त लगा दी है, कुर्बा, बैत, अजीब अल्फाज है, बैत की अहलियत और सलाहियत को जो कबूल कर सके। कहां फरजंदे रसूल, ये तो अमल इस्तीफा है। इरशाद फरमाया मुबाहला सारी उम्मत के अबना अमल इस्तीफा में दो, सारी उम्मत का निशा अमल इस्तीफा में एक, सारे उम्मत के नफूस अमल इस्तीफा में एक। यह है मुस्तफा होना। अब आप समझ रहे हैं, यह है मुस्तफा होना। मासूम जैसे जैसे फरमाते जा रहे थे, उलमा वज्द करते जा रहे थे कि हमने इस तरह की तफसीर आज तक नहीं सुनी। अमल इस्तीफा है, चुन लिया। मौलाना हजरत शेख अशरफ अली थानवी शेखुल इस्लाम ने अपने मौज़ूल कुरान में इस आयत के हाशिए पर अपनी तफसीर लिखी है, और लिखते हैं कि हक ये है कि अबना में हसन और हुसैन गए, निसा में फातिमा आई, अनफुस में अली आई, बस उसके बाद उनका नाम। और यही वो अमल था जो सारे मुफस्सिरीन ने एक कलम होकर किया, और सारे बयान करने वालों ने एक जबान होकर यही बयान किया कि यही गए, क्योंकि यहां कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस अमल इस्तीफा में, कुर्बा में एक ही गुंजाइश कि तुम अपने अपने कराबत दारों को दोस्त रखो, कुर्बा में एक ही गुंजाइश, कुदरत ने मोहलत दी। अच्छा, अहले बैत में थी एक गुंजाइश कि घर के रहने वालों में बीबियां दाखिल हैं, कुदरत ने और मोहलत दी।
और ये कह के मोहलत दी, अब आने वाले जमाने में एक ऐसी जगह गर्दन पकड़ी जाएगी जहां से अपने आप को जुम्बिश न दे सकोगे, जुम्बिश न दे सकोगे। वो ये कि मामला घर का नहीं है, अब घर का नहीं है मामला, चार दीवारी के अंदर का मामला नहीं है। अगर ये घर का मामला होता तो दुनिया जो चाहे कह देती। अब घर का मामला नहीं है, अब ये बाहर का मामला, बाहर का मामला। देखने वाले अब फकत घर वाले नहीं, कौम वाले नहीं, फकत मुसलमान नहीं, अब अग्यार भी देख रहे हैं जो मुबाहले के लिए आए हैं। कौन आया? तुम्हारी तारीख ने अगर कभी गलती की तो उनकी तारीखें बतलाएंगी कि खुद ही अपनी तारीख झूठी दिखा करते थे। और ऐसे मौके पर रसूल ने अमल इस्तफा करते हुए चुन लिया, पसंद। वह सिनो साल की कैद नहीं है मुस्तफा बंदों में, मुस्तफा बंदों में सिनो साल की कैद नहीं है। 5 बरस, 3 बरस, 7 बरस, कोई कैद नहीं। बहरहाल ये वह मंजिल थी कि जहां आपने पेश किया। फिर वही गुफ्तगु कि अगर आए मुबाहला की तफसीर करते हुए कोई इन नामों को हटाकर अपनी तरफ से कुछ और नाम लिख दे, कुछ और नाम लिख दे, तो आयत का मफाद बर्दाश्त करेगा उन नामों को? आयत का मफाद बर्दाश्त करेगा उन नामों को? बहुत गौर से सुनो। इसलिए मफाद आयत क्या है? फकत जाना नहीं है। मफाद आयत यह नहीं है कि सिर्फ मुकाबले पे खड़े होना है। मफाद आयत यह है कि झूठों पर लानत का करार देना है। मफाद आयत यह है। तो ऐसी मंजिल पर अगर हम अपनी तरफ से कुछ अफराद पेश करें तो वहां पहला तराजू सदाकत है, पहला तराजू सदाकत है। इस मंजिल को समझने के लिए मैं कुछ और आगे आपको ले जाऊं, मैं कुछ रुक रहा हूं और उसी को रुकते रुकते अर्ज करूंगा। इसलिए नहीं कि वहां कोई छुपाने की चीज, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं इफ़हाम और तफहीम की उस मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं जहां वाकई आप समझ जाएं कि मेरा मकसद क्या है और मेरा मुद्दा क्या है। इरशाद फरमाया, और जिसको साहिब सही मुस्लिम और साहिब सही बुखारी दोनों ने लिखा, हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब फजाइल अली को कायम करते हुए यह लिखा, और हजरत मुस्लिम ने हज्जाज ने सही मुस्लिम में बाब मनाकिब अली कायम करते हुए यही वाकया लिखा, और वो एक मुख्तसर सवाल है। और या अली अंता मिन्नी व अना मिन्नी, तू मुझसे है मैं तुझसे, बहुत सरासी। ये कितने लफ्ज हैं इसमें, अंता मिन्नी व अना मिन्नी, तू मुझसे है मैं तुझसे। मगर तारीख रिसालत में फिर ये चार लफ्ज किसी और के लिए नहीं आए। तारीख रिसालत में फिर ये चार लफ्ज किसी और के लिए नहीं आए। और अगर ये कहा जाए कि अंता मिन्नी वो अना मिन्क में किसी का नाम तो नहीं है, सिर्फ मैं और तू है, तो अगर जिसको ये कहा उसको हटा लिया जाए और किसी और को पेश किया जाए कि अली इसको कह रहे थे, नबी इसको कह रहे थे, कि नबी की मुराद ये थी, अगर किसी और शख्स को पेश किया जाए तो क्या ये मिन्नियत बर्दाश्त करेगी उसको?
देखिए बहुत छोटा था, क्या मिन्नियत बर्दाश्त करेगी उसको? मिन्नियत, मिन्नियत को समझना है, इसलिए कि इस्तीफा की मंजिल पर मिन्नियत बहुत अहम है। को समझने के लिए एक बात याद रखिए, और वो ये कि रसूल ने ये कहा, अना बशरुन मिसलुकुम, मैं तुम्हारे मिसल एक बशर हूं। रसूल ने यह नहीं कहा, अरे क्यों परेशान होते हो, मैं नबूवत तो मिली, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूं। देखिए बहुत अहम मसला, यह जरूर कहा अना बशरुन मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरफ से बशर हूं, मगर रसूल ने यह नहीं कहा कि अरे अहले मक्का अना मिनकुम, मैं तुम में से हूं, अंतुम मिन्नी, तुम सब मुझसे हो। बात भी सही थी अगर ऐसा कहते कि रसूल मक्की थे, मक्के वालों में से थे, और वो मक्के वाले रसूल की सरदारी को मान रहे थे और रसूल के बाप दादा की सरदारी को जान रहे थे और कहते हम तो आपसे हैं, मगर नहीं, बशरुन मिसलुकुम और है, ये तुम्हारे मिसल बशर, महसूस कर रहे हो, हवास तुम में है, हवास मुझ में है, देखता हूं, सूंघता हूं, सुनता हूं, चखता हूं, बोलता हूं, महसूस करता हूं, सोता हूं, जागता हूं, मुझ में नमू है, तुम्हारी तरफ से हूं। लेकिन मिन्नियत के माना कुछ और है, मिन्नियत के माना यह है कि मैं और मेरी असास फिक्र, मेरी बुनियाद ईमान, मेरा असास अकीदा यकीन है, शक नहीं है, मैं नबी हूं, यकीन के आलम में हूं, शक नहीं है, साहिब वही हूं, किताब का बयान दे रहा हूं, किताब का बयान पेश कर रहा हूं, किताब वो जिसमें शक नहीं, ला रहे बाकी मेरा बयान वो जिसमें शक नहीं, अगर कुरान में रायब नहीं है, नबी में रायब नहीं है। अब नबी की मिन्नियत की मंजिल वहां है कि वो आए मिन्नियत में कि जिसने अबदन कभी शक ना किया हो, अच्छी तरह से याद रखिए, मिन्नियत उसी के लिए है जिसने शक ना किया हो, जब रसूल ने आवाज दी हो मैं रसूल हूं तो शक ना करे, जब वो कहे खुदा है और मैं उसकी तरफ से पैगाम ला रहा हूं, शक ना करे, जब रसूल कहे कि ये वही रब्बानी है जो मुझ पे आई है, शक ना करे, जब रसूल कहे हमला कर दो फतह होगी, शक ना करे, जब रसूल कह दे रुक जाओ, लफ्ज रसूलुल्लाह निकाल दो, ये सुलह की मंजिल है, ये सुलह की मंजिल है, शक ना करे, ना सुलह में शक हो, ना जंग में शक हो, ना सुकूत में शक हो, ना कलाम में शक हो, ना सेहत में शक हो, ना मरद, मिन्नियत की वो मंजिल है कि अगर रसूल ऐन यकीन है तो मिन्नियत की मंजिल पाने वाला उस यकीन का दारा हो कि लौ कुशफल गिताउ लमा अज़दक्त यकीना, अगर मेरे सामने से सारे हिजाब हटा दिए जाए तो अली का यकीन जिस मकाम पर है वहीं रहेगा। इस मकाम पर एक बात याद रखने के काबिल है, वो ये कि यकीन की मंजिल इज्तिहाद नहीं है, एक इल्मी मसला, यकीन बहुत बुलंद है, इज्तिहाद शक है, इसलिए कि इज्तिहाद में इम्कान खता है, मुज्तहिद मुख्ती है, कभी खता कर सकता है, मगर जहां यकीन है वहां इम्कान कता नहीं है, एक इल्मी मसला। इसलिए मौलाना रूम ये कहते हैं कि जब
गिरे हुए पहलवान। अली से ये कहा कि तलवार तोल कर आप आए थे, फिर तलवार आपने क्यों फेंक दी? तो उस पर आपने जवाब दिया कि मेरा गुस्सा अल्लाह का गुस्सा है और मेरा लुत्फ अल्लाह का लुत्फ है। मैं अगर चुप हूं तो उसी के हुक्म से और लड़ता हूं तो उसी की इजाजत से। मन चुते गम ऊ जनिंदा आफ्ताब, मैं सरतापा तलवार हूं या तलवार कोई और चला रहा है? मन चुती गम ऊ जनिंदा आफ्ताब, मां रमाई तू इज रमाई तू उधर खराब। जंग में तलवार मैं नहीं चला रहा हूं, जब मैं चला रहा हूं, जब मैं चलाता हूं तो यह तलवार कोई और चलाता है। इसके बाद का शेर यह है, मौलाना रूम कहते हैं अली ने यह कहा, जज्तहादो अस्तहरी रस्ताम, मैं इश्तेहाद से बुलंद हूं, तहरी चौराहे पे खड़े होकर यह सोचना कि किस तरफ जाऊं। तहरी ते हाय हुत्ती रे ये, जज्तहादो अस्तहरी रस्ताम, क्यों आस्ती बरदामने हक बस्ताम, मैंने अपनी आस्तीन को हक के दामन से बांध लिया है, अब वो जहां चाहे ले जाए। ये मौलाना रूम दफ्तर अव्वल, मुसलसल 250 शेर हैं यकीन अली के मुताल्लिक। मौलाना रूम, मौलाना 250 शेर हैं और जिसकी इब्तदा ये है मौलाना रूम के दफ्तर अव्वल की, के अज अली आमोज इखलास अमल, अज अली आमोज इखलास अमल, शेर हक रा दौन मुनज़्ज़ह अज दगल, अल्लाह का शेर धोखा नहीं देता। अजब सादा सा जुमला है, अल्लाह का शेर धोखा नहीं देता। अज अली आमोज इखलास अमल, शेर हक रा दौन मुनज़्ज़ह अज दगल, इखलास अमल क्या था? बर्रुए अली, उसने थूक दिया पहलवान ने अली के चेहरे पर। कौन अली? इफ्तिखार हर नबी और हर वली। इफ्तिखार हर नबी और हर वली, माजरत के साथ, क्योंकि मेरी फिक्र और मेरा मुतालिया जब आपसे गुफ्तगू होती है तो सिर्फ इस तरह से नहीं रहता कि मैं जामिद हो जाऊं, मेरी निगाहों में तो बहुत सी चीजें रहती हैं ताकि आपके लिए सरमाया फराहम करूं। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग साथी हम असर, मैं उनकी इनायतों का ममनून एहसान हूं। हजरत मौलाना उकाड़वी साहब क़िबला, पूरा कराची उनके मवाइस से मुस्तफीद हो रहा है। वो खुश इल्हान हैं, खुश बयान हैं, नगमा संज हैं, वो मुफस्सिर हैं, वो मुअल्लिफ हैं किताबों के, बहुत सी किताबें लिखी हैं। अभी अभी उन्होंने किताब लिखी सफीना नू, सफीना नू उसकी दो जिल्दें, किताब बड़ी लुत्फ से लिखी गई है, बड़ी लुत्फ से लिखी गई है। और किताब का आगाज ही है कि पैगंबर ने दो अजीब व गरीब चीज़ें बयान की हैं, एक तो ये कि मेरे अहले बैत सितारे हैं नुजूम समा हैं, और मेरे अस्हाब सितारे हैं नुजूम समा हैं, और मेरे अहले बैत सफीना नूह के मानिंद हैं। जाहिर है जो कश्ती में बैठेगा वो सितारों पर को देख देख के रास्ते को तय करेगा, इसलिए सफीना भी चाहिए सितारे भी चाहिए। यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई और जाहिर है कि ये एक मसलक है, एक नुक्ता निगाह है, इस नुक्ता निगाह की कदर करनी चाहिए। इसलिए कदर करनी चाहिए कि जहां हमको इस तरह की रिवायत मिलती है वहां फौरन यह ख्याल होता है कि सफीना नूह अगर हदीस है रसूल की तो उस हदीस पर नजर की जाए कि कौन कौन रावी हैं, और अगर तारों वाली हदीस है रसूल की तो उस पर भी गौर करना है कि कौन कौन रावी हैं, ताकि हमको यह मालूम हो कि बयान रसूल कुरान के मुताबिक है कि नहीं है। एक मुस्तकिल कोशिश होगी, मैंने एक उन्वान कायम कर दिया था फकत इसलिए कि आपको दावत फिक्र मिले, मगर इसके बाद आगे बढ़कर एक जुमला बहुत लतीफ उन्होंने कहा
और मैंने कोई आपको यकीनन तकलीफ नहीं दी है, मैं तारुफ चाहता था किताब का, किताब बहुत अच्छी है और किताब ज़रूर ख़रीदें, आप ज़रूर पढ़ें ताकि मालूमात में इजाफा हो, बहुत सी चीज़ें काम की होंगी और मैं उनसे मुझे इरादत है, इसलिए इतने लंबे इंतज़ार के बाद ये जुमला कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि चूँकि सही माना में अहले बैत को किसी ने दोस्त नहीं रखा, अहले बैत को सही माना में किसी ने दोस्त नहीं रखा और क़ुरबा का ख्याल नहीं रखा, इसलिए विलायत न खारिजी को मिली न राजी को मिली। ये जुमला बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा न खारिजियों में कोई वली हुआ न राजियों में कोई वली हुआ। तो जाहिर है कि ये गुफ्तगू चूंकि एक मशहूर हमारे बुजुर्ग की तरफ से है, हमारे एक आलिम की तरफ से, इसलिए हमारे सर आंखों पर और जाहिर है हमारी तारीख भी कुछ ऐसी ही मालूम होती है कि राजियों में हर गली में हर कूचे में तो वली नहीं होता है। हर गली में हर कूचे में वली नहीं होता, मगर मैंने जो गुफ्तगू छेड़ी वो फकत इसी वास्ते कि वली हो या ना हो, ये मौलाना रूम है उखुयू अंदा दरूए अली इफ्तिखारे हर नबी जो हर बर्रुए अली इफ्तिखार हर नबी हो हर वली सिवा मौलाना रूम के। इस मिसरे का कोई माना नहीं कर सकता इस वास्ते कि जो कोई माना करेगा वो यही कहेगा कि मौलाना रूम ने गुलू किया, मौलाना रूम ने गुलू किया इस वास्ते कि हर वली की हद तक तो दिल मान लेगा, हर वली की हद तक तो फिर भी दिल मान लेगा, मगर इफ्तिखारे हर नबी ये तो हुए अली। अब इसके बाद हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी मद्दज़िल्लहु अली की खिदमत में, चूंकि अगर वो तशरीफ ले जाते हों महफिल समा में तो ये एक शेर भी गालिबन उनके कानों तक पहुंचता होगा, ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया याने हुसैन इब्ने अली। और फिर ये जो तवील सिलसिला है औलिया का, अभी इस पे गुफ्तगू का वक्त नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी सिरिय सकती मारूफ करखी हसन बसरी, ये सारे सिलसिलों के मुतालिक कभी तफसील से गुफ्तगू होगी। मारूफ करकी के मुतालिक चूंकि यह शब वही है, इसलिए अर्ज करूं कि इनके मुतालिक एक अजीब करामत मशहूर है, गिरती हुई दीवार पे अगर मारूफ करकी का नाम लिख दिया जाए तो दीवार नहीं गिरेगी। गिरती हुई दीवार पर अगर मारूफ करकी का नाम लिख दिया जाए तो दीवार नहीं गिरेगी। क्यों? के दरबान अली मूसी रजाबूत, ये उनकी सवान हयात, के दरबान अली मूसी रजाबूत, के इसलिए के अली मूसी रजा के घर के दरबान थे। तो यह सही है कि वली नहीं होते मगर यहीं से विलायतें मिलती हैं, इन्हीं आस्थानों से विलायतें मिलती हैं। बड़ा ख्याल किया आपने, बड़ा लिहाज किया, बड़ा पास किया। बहर सूरत मुझे यह अर्ज करना है कि यह अमल इस्तीफा है, यह अमल इस्तीफा है और इसका कोई दावा नहीं कर सकता कि मुबाहले में कोई और आया, आने का इम्कान नहीं था, गुंजाइशें थी बहुत सी, अपना सब निसा सब अनफुस सब इतना आम करके इतना खास कर दिया, इतनी उमूमियत अता की कि जिसको लाना है लाओ, और फिर
बयान पैगंबर को महदूद किया कि अब हम तुमको टटोलेंगे, बताओ हमारी मर्जी क्या है। मैं दो जुमले और, वक्त आज ज्यादा हुआ, मैं माजरत का हूँ, मेरी अब तीन तकरीरें रह गई हैं, मालूम नहीं क्या रह जाएगा और क्या अर्ज किया जा सकेगा। एक मतलब गौर तो करें आप कि इतनी उमूमियत, अबना निसा अनफुस फमन हाज कफी है मिन बाद मा जाओ का मिनल इल्म, इल्म के आ जाने के बाद भी अगर कोई एहतजाज करे फकुल, तुम कहो हम बुलाएंगे, न दो अब ना ना व अब ना हुकुम व निसा ना व निसा हुकुम व अनफुसा ना व अनफुस हुकुम। आयत कुल इतनी, अब यह आयत बयान चाहती है, तय कीजिए कि बयान रसूल, बयान रसूल हज़्ब मंशाए ईज़दी था कि न था, मंशाए ईज़दी के मुताबिक था कि यह बयान, बयान के माना आप समझ रहे, यानी वो अमल, वो तकरीर या वो कौल, तकरीर के माना, तकरीर के माना आप ये समझेंगे बातें करना नहीं, इस मकाम पे तकरीर के माना ये है कि अगर कोई कुछ काम करता हुआ पाया जाए और रसूल उससे राजी हो तो रसूल का चुप हो जाना तकरीर है, तकरीर रसूल। तो कौलो फेलो तकरीर की सूरत में बयान रसूल है, मजमूई तौर बयान ये है, तफसील ये है कि अबना में तुम आओ, निसा में तुम आओ, अनफुस में तुम आओ, खुदा राजी है कि नहीं, इस बयान से खुदा राजी है कि नहीं। बयान वही जो कुरान की तफसील करे, कोई और न कह सका, कोई और न कह सका कि हम गए थे, हम गए थे, बढ़िया हम मंजिल थी, अच्छा है कि यहीं रुकेंगे और कल यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए कि हमारे इस्तफा है और हमारा सिलसिला कलाम उससे वाबस्ता है। मगर एक बात, वो जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये कि आया कुर्बा, आया तथीर, आया मुबाहला और वो तमाम आयतें या वो तमाम मनाजिल के जिसमें अहले बैत आए। अगर कोई मुअर्रिख अपनी गैर जानिबदारी का सबूत देते हुए और अपनी इंसानियत परस्ती को बतलाते हुए कि हम तो अवाम के बहीखा हैं, अफराद को निकालता चले और इन नामों को हटाता जाए, खैबर से हटा दे, खंदक से हटा दे, बद्र से हटा दे, हुनैन से हटा दे, शबे हिजरत से हटा दे, दावत ज़ुल-शीरा से हटा दे और सिर्फ वाकये को बयान करे। हिजरत की रात थी, पैगंबर गए, बिस्तर खाली था, बद्र की लड़ाई हुई, कुफार आए, कोई लड़ने वाला न था, खैबर में मरहब ने आवाज दी, फतह हो गई, खंदक में अमृत ने अब्दबद ने पुकारा, मौजिजा हो गया। और नाम अगर नहीं लिखे ये क्या बेकार की गुफ्तगू है? वल्लाहे नहीं है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। किताबों को देखिए, आज जो तारीख इस्लाम लिखी जा रही है उसमें एडमेंट है, डेलिब्रेटली यह किया जा रहा है कि नाम हटा लिए गए, नाम हटा लिए गए। यानी यह वाकया है, खंदक की पूरी तफसील तारीख इस्लाम में देखिए, अम्र इब्ने अब्दवद का तस्करा है, नाम उसका नहीं जो पैगंबर की तरफ से गया था, नाम नहीं। तो इस तरह से नाम को हटा लेने में मुमकिन है एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल भूल भी जाए, यह कोशिश है, यह कोशिश है कि भूल भी जाए। अच्छा है, भुलाने की कोशिश कीजिए, भुलाने की कोशिश कीजिए। मगर एक बात मेरी तरफ से सजेशन, वो यह कि जब नाम हटा लिया है किसी का तो किसी और को उसके बदल, वहां किसी और को उसके बदल रख दे, किसी को, किसी को, मुहाजरीन में से, अंसार में से किसी को वहां रख दे। कमर इब्ने अब्दवद के मुकाबले में वो गए,
मरहब के मुकाबले में वो गए, शब हिजरत बिस्तर पर वो सो गए। इम्कान है इसका, मगर मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था मुसलसल मिसालें देकर, क्या वो जगह बर्दाश्त करेगी, क्या वो जंग बर्दाश्त करेगी। अरे इंतहा ये हो गई, ये हो गई कि अमृत ने अब्दवत की बहन ने भाई के लाश पे आके कहा मैं खुश हो गई भाई की मौत से। उसने कहा क्यों, क्या बात है कि भाई की मौत से तू खुश है। कहा इसलिए खुश हूं कि करीम ने मारा है इसको, इसको करीम ने मारा है, वरना कीमती जिरह थी, भाई को मार के जिरह चुरा लेता।